हेलो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक परिचय में कि इकोनॉमी क्या होती है, हिंदी में कहें तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है। लेकिन आज के कुछ पार्ट में इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्या है, जो कि हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड है। तो पहली चीज तो हम समझेंगे दुर्लभता क्या होता है, जिसे इंग्लिश में स्केयरसिटी बोलते हैं। साथ ही डिस्कस करेंगे आर्थिक समस्या क्या होती है और आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि केशव और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो बच्चों लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज सबसे पहले आर्थिक समस्या समझना है। लेकिन आर्थिक समस्या को समझने से पहले एक टॉपिक आपको जो पता होना चाहिए वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, और उस टॉपिक का नाम है दुर्लभता। जी, सबसे पहले हम उसी टॉपिक के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं दुर्लभता की, तो यहाँ पर दुर्लभता क्या होती है। देखिए, दुर्लभता को अगर मैं लिखूं यहाँ पर हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे, दुर्लभता का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी चीज की मांग बहुत ज्यादा आ रही हो और पूर्ति क्या उस चीज की कम हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, पहले इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं। फर्ज कीजिए कि आपके घर में 3 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही है, और जिस वजह से सप्लाई का पानी या पानी भी आपके घर पर नहीं आ रहा है और नल आसपास तो होते नहीं है। तो आप नोटिस करिए, 3 दिन से जब बिजली नहीं आ रही है तो आपके घर में पानी की क्या हो गई होगी, कमी पड़ेगी। तो अब इस स्थिति में क्या है, हम लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, घर के कार्य करने के लिए पानी चाहिए, नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी की जो पूर्ति है वो अब क्या हो गई है, खत्म हो गई। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ एक स्थिति बन रही है जिसमें पानी की जो मांग है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। किसके कंपेयर में, पूर्ति के कंपेयर में। तो जब ऐसी कभी भी परिस्थिति बनती है तो उसको हम बोलते हैं दुर्लभता। यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर पानी की दुर्लभता है। ठीक है, तो दुर्लभता का अर्थ क्या निकल गया है, दुर्लभता का अर्थ निकल गया है एक ऐसी स्थिति जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति की तुलना में क्या हो, अधिक हो। आप इसको पैसे के कंपेयर में कह सकते हो कि आपके परिवार में जितने पैसे की मांग है ना आपको, उतना आपके पास पैसा है नहीं। तो इस स्थिति में क्या है, आपके पास पैसे की पूर्ति क्या है, कम, और पैसे की मांग क्या है, ज्यादा। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारे पास पैसे की क्या है, दुर्लभता है। ऐसे किसी भी चीज के ऊपर आप बोल सकते हो। लेकिन जब कभी भी अर्थव्यवस्था में दुर्लभता देखने को मिलती है तो इससे इसके साथ एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, और उस समस्या का नाम है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, अब ये कौन सी समस्या आ गई जी, देखो आप सभी को पता है कि हमारे पास किस चीज की समस्या आ रही है, दुर्लभता की समस्या आ रही है। हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है। अब क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज सीमित होती है तो उसे हम बड़ा चुन के खर्च करते हैं, बड़ा देख के खर्च करते हैं, उसी लिए उसे बोलते हैं आर्थिक समस्या। मतलब चयन करने की समस्या, चयन की समस्या। हमें हर बात में क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, घर में बहुत अच्छी डिश बनी है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो कौन सी वाली आपको ज्यादा पसंद, जो आप खाना पसंद करेंगे, तो आपने क्या करा, चयन करा, ये आर्थिक समस्या कहलाएगी। ठीक है, आपके पास पानी सीमित था, आपको पानी का प्रयोग कहाँ करना है, तो आपको क्या करना है, चुनाव करना है, तो ये क्या है, आर्थिक समस्या है। तो आर्थिक समस्या मतलब चुनने की समस्या। अब पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है कि हमें चयन करना पड़ रहा है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, क्या है आर्थिक समस्या की। देखो जरा क्या बोला है, आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकताओं, क्या बोला है, असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वैकल्पिक उपभोग वाले सीमित संसाधनों की चयन की समस्या है। अगर आप केवल इस पे ध्यान दें, काय की समस्या है जी, ये चयन की समस्या है, तो इस पे भी आपका काम चल जाएगा। चयन की समस्या को समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों रही है। ये चीज याद रखिएगा, जब भी अगर आपसे पूछे आर्थिक समस्या क्या है, तो आप ये वाले ये लाइन जो डालिएगा कि ये चयन करने की समस्या। अब हमें क्यों चुनना पड़ता है उस पर बात कर लेते हैं। टॉपिक पे आते हैं, जरा देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण की बात कर रहा है।
तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के जो कारण है वो तीन निकल के आ रहे हैं। पहला, मानवीय आवश्यकताओं का असीमित होना। सबसे पहले आप और मैं अपने आप को ले लेते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं की बात करें या अपनी इच्छाओं की बात करें तो क्या वो सीमित असीमित है? मेरे हिसाब से किसी की भी इच्छाएं सीमित नहीं होती, असीमित होती है। एग्जाम्पल के लिए आप भी मानते होंगे, मान लीजिए अभी आपके पास क्या है, एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आपके पास राइट नाउ फोन है नहीं है, वैसे फोन होगा तभी शायद वीडियो देखेंगे, बट फर्ज कीजिए एक बच्चा है जिसके पास फोन नहीं है, ना वो इंस्टा चला रहा है, ना फेसबुक चला रहा है, वो स्नैप चला रहा है, ना वो यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहा है, क्योंकि घर में फोन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए पेरेंट्स चलाते हैं। तो वो कह रहा है पेरेंट्स से, उसकी डिमांड है, उसकी मांग है, एक फोन दे दो, ऐसी फोन दे दो जो ब्लैक एंड व्हाइट हो, एटलीस्ट बस कॉल चली जाए। तो हमने क्या करा, चलो उस पर रहम करके एक फोन पकड़ा दिया, भाई ये ले फोन ले ले। अब जब उस दिन फोन चलाया तो उसकी डिमांड आ रही है, कैसा फोन है, केवल इसमें कॉल होती है, एटलीस्ट में रेडियो वाला फोन होता तो मैं क्या कर सकता था, गाने तो सुन सकता था, चलो भाई दूसरी बार से रेडियो वाला फोन दिला दिया। अब वो कह रहा है रेडियो वाले से उब गया, कह रहा है ये अपने गाने बजाता रहता है, एटलीस्ट ऐसा फोन इसमें MP3 होता, चलो जी उसको थोड़ा और एडवांस फोन दिला दिया। फिर उसकी कैमरे की डिमांड आ रही है, फिर उसकी एंड्रॉइड की डिमांड आ रही है, ऐसे कर करके वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। मान लीजिए आज के टाइम में कोई बहुत लेटेस्ट फोन है, मान लीजिए कोई मान लेते आईफोन 15-16 प्रो है, तो इस केस में अगर वो भी दे दिया जाएगा तो भी जैसे कोई नया फोन आएगा उसकी इच्छा होगी कि मेरे पास वो हो। क्यों? क्योंकि हम मानव है और हम लोगों की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। जिसके बंदे के मार्क्स एग्जाम्पल के लिए एग्जाम में 34 आए वो पास है, लेकिन वो डिमांड कर रहा है कि 50 आ जाते। जिसके 50 है वो सोच रहा है कि यार काश 75 आ जाते। जिसके 75 आए वो सोच रहा है काश 90 आ जाते। जिसके 99 भी आए है ना, काश 100 आ जाते, वो भी ये सोच रहा है। तो इसका मतलब संतुष्ट कोई नहीं है। तो जब हमारे को इतनी सारी इच्छाएं हैं, क्या हम सारी अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? तो हम उसमें चुनाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 100 रुपए पड़े, एक मन कर रहा है कि चलो यार आज मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है, ठीक है, और एक मन कर रहा है कि मुझे एक किताब लेनी है या बुक लेनी है पढ़ने के लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपए या तो खा लो या बुक ले लो, तो हमने क्या ले ली, बुक ले ली। तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर चयन करना पड़ा। तो देखो यहाँ पर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि हमारी इतनी सारी इच्छाएं हैं, हम सबको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। क्लियर है? पहला कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का, मानव की असीमित इच्छाएं। दूसरा, सीमित साधन मतलब हमारी जो पॉकेट है, हमारे पास जो जमीन है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो सीमित है। इसको भी एक एग्जाम्पल समझिए, आपका बर्थडे, आपके घर वाले आपको लेके जा रहे हैं दुकान पे कि चलिए आपको इसी खुशी में आपके बर्थडे पे एक ड्रेस दिलवाएंगे। तो बताइए कौन सी ड्रेस लेके दुकान में दिखा रहे हैं भाई? तो मम्मी एक ये वाली और एक ये वाली। पीछे से एक लाफा आया मम्मी घूमते हुए, बेटा एक बता, कितनी, एक बता। क्यों? क्योंकि मम्मी की जो ड्रेस के लिए पैसे लेके आई है वो लेके आई है एक के लिए, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। तेरा बर्थडे है लेकिन 10 ड्रेस थोड़ा ना खरीदेगा तू। तो इस केस में एक ड्रेस के लिए मम्मी क्या है, साधन लेके चल रही है। ऐसी जमीन के यूज बहुत है, हम रहने के लिए यूज कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, फार्म हाउस बना सकते हैं, सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल है। लेकिन हमारे पास साधन जमीन सीमित है, इसलिए हम रहने के लिए यूज कर रहे हैं। किसी में थोड़ा सा और ज्यादा है तो चलो खेती कर रहा है, और ज्यादा है तो फैक्ट्री लगा रहा है, बट क्या सबके पास सीमित जो जमीन है वह सीमित है, नहीं सीमित है। इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं करें। इसी प्रकार आपके पास समय भी सीमित है, तो आपको चुनना पड़ता है कि अपना समय कहाँ पे खर्च करें या व्यर्थ करें, वो तुम पे डिपेंड करता है, बट अच्छी जगह लगाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि समय क्या है, सीमित है। तो इसलिए भी हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। उसके बाद साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा प्रयोग, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल इसको भी लेता हूं मैं, एक से ज्यादा प्रयोग का मतलब सर, हम जैसे लेते हैं दूध को, घर में दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं, हम दूध से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, हम दूध से दही, पनीर, खोया, चाय, बाकी आपको जो नाम याद आ रहा है लिस्ट में आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से नाम याद आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब लेकिन जब मेरे घर में दूध आता है तो मेरे घर में एक ही चीज बनती है, या कह लो दो ही चीज बनती है, खोया बोल रहा हूँ,
या तो दही बन जाता है या चाय पीने के लिए बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो दूध है उसके एक से ज्यादा प्रयोग है, लेकिन हमारे पास जो दूध है वो लिमिटेड है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, चयन करते हैं, क्योंकि समान एक है दूध और काम उससे बहुत सारे, तो हमें चयन करना पड़ता है उसे कहाँ खर्च करें कहाँ नहीं। उसी प्रकार समझिए किस चीज को, पैसे को, पैसे हमारा सीमित है ना, और पैसे के एक से ज्यादा यूज है, तो हमें चयन करना पड़ता है कि पैसों का प्रयोग कहाँ करें। ठीक है, इसी तरह से जमीन है, जमीन की एक से ज्यादा प्रयोग है, अब हमें चयन करना पड़ता है कि जमीन का प्रयोग किस चीज के लिए करें, खेती के लिए करें, रहने के लिए करें, फैक्ट्री लगाने के लिए करें, चयन करना पड़ रहा है। तो उन तीनों ही केस में देखो, असीमित इच्छाओं में, सीमित साधनों में और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग में, तीनों में ही हमें अर्थव्यवस्था में ये देखने को मिल रहा है कि हमें चयन करना पड़ रहा है। तो पेपर में एक क्वेश्चन यहां पर यह भी आ जाता है, क्या ये चीजें आपस में संबंधित हैं? क्या दुर्लभता और आर्थिक समस्या आपस में संबंधित है? तो इसका आंसर है यस। अर्थव्यवस्था में दुर्लभता और आर्थिक समस्या साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? जब भी अर्थव्यवस्था में आपको ये देखने को मिलेगा कि दुर्लभता हो रही है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे, आप चयन करोगे। चयन का मतलब होता है आप चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना, जैसे हमारे पास पानी की मांग ज्यादा थी, पूर्ति कम थी, तो इस केस में हमने क्या करा, मांग ज्यादा होने की वजह से ये चूज किया कि उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए, चलो 2 दिन नहाना कैंसिल कर देते हैं, खाने पीने के लिए ही यूज करेंगे पानी का, तो यहाँ चयन करा ना तुमने। तो यस, जब जब अर्थव्यवस्था में दुर्लभता देखने को मिलेगी, तब तक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, जो हमें समझना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, वो है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। कौन सी समस्या है? केंद्रीय, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, ये हमारे पास नोट्स में लिखा हुआ ऑलरेडी, तो वहीं चलते। पहले देखो जरा क्या बोल रहा है अगला टॉपिक, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था, चाहे वो बड़ी अर्थव्यवस्था हो या छोटी अर्थव्यवस्था हो, अमेरिका हो या भारत हो, भूटान हो या पाकिस्तान हो, छोटा देश हो या बड़ा देश हो, कोई भी देश हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, तीनों में एक चीज देखने को मिलती है, और वो समस्या कौन सी है? केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या मतलब केंद्र में पाई जाने वाली समस्या, जो हर जगह पाई जाती है। पहली समस्या क्या है कि जब अगर हमारे पास, चलो पैसे हैं, तो क्या उत्पादन किया जाए अर्थव्यवस्था में? हमारे लोग हैं, अच्छी बात है हमारे पास, लेकिन उनको बनाने के लिए, उनको यूज करने के लिए कौन सी चीजें बनाई जाए? तो यहाँ पर ये समस्या जो है वो किससे संबंधित है? वस्तुओं के चयन से संबंधित है कि हमें किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। अगर आपको बताऊं तो हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, दो, एक है उपभोक्ता वस्तु, ठीक है, और एक है पूंजीगत। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु क्या होती है? उपभोक्ता वस्तु वो होती है जिन्हें हम दिन प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं, दाल, चावल, चीनी, पेन, पेंसिल, नोटबुक। पूंजीगत वो होती है जिनसे हम उत्पादन करते हैं, जैसे मशीन हो गई, कपड़े सिलने वाली मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, कोई भी मशीन हो गई, जैसे ये डिजिटल बोर्ड हो गया जिसमें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये मशीन। तो तुम्हारे हिसाब से एक देश की सरकार को ज्यादा पैसा किस पे खर्च करना चाहिए, उपभोक्ता वस्तु बनाने पे या फिर पूंजीगत पे? अगर आप बोलेंगे कि सर उपभोक्ता पे खर्च कर लो, तो दिक्कत यह है कि फिर देश में उत्पादन गिर जाएगा, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं से ही तो उत्पादन होता है। अगर आप ये बोलते हैं कि पूंजीगत कर बनाइए, तो हमें दिन प्रतिदिन की जो वस्तु है वो कम पड़ जाएगी। तो अब समस्या यही तो है कि क्या बनाए, और चलो ये डिसाइड भी हो गया कि चलो ये बना लो, कितना बनाए ये भी एक समस्या है। तो इसके अंदर दो समस्या आ जाती है, पहली तो क्या, और इसके साथ ही जुड़ी होती है कौन, क्या, कितना। ये अर्थव्यवस्था की पहली समस्या है, ये अमेरिका में भी पाई जाएगी, ये भारत में भी पाई जाएगी, तुम्हारे घर में भी पाई जाएगी। ठीक है, आज खाना क्या बनाए और कितना बनाए। दूसरी समस्या, चलो डिसाइड हो गया ये बनाना है, फिर आए कैसे उत्पादन किया जाए। देखो, उत्पादन करने के लिए मुख्यतः हमारे पास दो तरीके हैं। एक जो तकनीक का नाम है वो है श्रम प्रधान। श्रम प्रधान का मतलब होता है जहां पर आप काम जो लेंगे वो किससे लेंगे, लोगों से लेंगे। दूसरी है पूंजी प्रधान। पूंजी प्रधान का मतलब होता है कि यहाँ पर आप जो काम लेंगे वो मशीनों से लेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपको अपने देश में उत्पादन करना है,
अपनी इकोनॉमी में उत्पादन करना है तो किसके थ्रू उत्पादन करना चाहेंगे, श्रम प्रधान तकनीक के थ्रू उत्पादन करना चाहेंगे या पूंजी प्रधान? आप कहेंगे मशीनों से काम कराएंगे, पूंजी प्रधान तकनीक। लेकिन अगर सोचो जैसे जेसीबी 10 मजदूरों का अकेले कर देती है खोदने का, तो अगर आप श्रम प्रधान तकनीक यूज करोगे तो मेरे हिसाब से इसमें बेरोजगारी फैलेगी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, कई सारे लोगों का रोजगार चले जाएगा। फिर आप में से कहेंगे अच्छा ठीक है सर एक काम करते हैं, कौन सी ले लेते हैं फिर, पूंजी प्रधान के बजाय हम श्रम प्रधान कर लेते हैं। ध्यान रखना पूंजी प्रधान की मैं बात कर रहा था, पूंजी प्रधान में मशीनों से काम किया जाता है, श्रम प्रधान में मजदूरों से काम कराया जाता है। तो अगर आप पूंजी प्रधान की बात कर रहे तो वहां मशीनों से काम करवाओगे तो लेबर खाली हो जाएगी, बेरोजगार। और अगर तुम श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करोगे तो इस स्थिति में क्या होगा, सारा काम अगर मजदूर ही करेंगे तो मजदूर तो है इंसान और इंसान काम करेगा लेजी तरीके से, स्लो तरीके से मशीन कंपेयर में, तो उत्पादन क्या होगा, धीरे होगा। अब दोनों ही की समस्याएं हैं, पूंजी प्रधान समस्या में यह बेरोजगारी होगी, श्रम प्रधान समस्या में यह कि काम धीरे होगा। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों से उत्पन्न करना, लेकिन कितना कितना, यही तो समस्या है। तभी तो क्या बोलते हैं देश की केंद्रीय समस्या, ठीक है। और चौथी समस्या क्या आती है इसके बाद, चौथी नहीं तीसरी, चलो डिसाइड हो गया क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, विच मीन्स यहां पर किसके लिए उत्पादन का मतलब है, अर्थव्यवस्था में आपको पता है दो तरह के लोग रह रहे हैं, अमीर और गरीब। अब हमें दोनों को ही वस्तु उत्पादन करके देनी है, तो अमीर तो उसके लिए पैसे देने को राजी है लेकिन गरीब के पास पैसे नहीं है। तो अगर हम अमीरों के लिए उत्पादन करेंगे तो जैसे एसी बना लो, फ्रिज बना लो, फोन बना लो, तो जब ये मार्केट में वस्तुएं बिकेंगी तो आपको क्या होगा, लाभ। लेकिन मान लो अनाज उपलब्ध कराना सस्ता लोगों को, तो उससे आपको लाभ तो प्राप्त नहीं होगा, लोगों की शिक्षा फिर मुफ्त करानी है लेकिन उससे आपको कोई लाभ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे समाज कल्याण जरूर होगा। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, लाभ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, समाज कल्याण पे ध्यान देना चाहिए? आंसर है दोनों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन समस्या वही कितना कितना, विच मीन्स मेरे हिसाब से तीनों में ये समस्या नहीं कि करना क्या है, करना तो पता है लेकिन कितना कितना करना है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना, मतलब कौन सी वाली में तकनीक श्रम प्रधान से लेनी है, कितनी पूंजी से लेनी है, कितना अमीरों के लिए करना है, कितना गरीबों के लिए करना है, यही तो समस्या है। और इस पूरी समस्या को हम बोल देते हैं क्या, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 4 से 6 मार्क्स के लिए, हो सकता है सेपरेटली केवल एक ही आ जाए, क्या उत्पादन करेगी समस्या समझाइए, कैसे उत्पादन करेगी समस्या समझाइए, तो आप इसको क्या करना है, आपको रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये दो टॉपिक मैंने आपको आज समझा दिए। अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र, और उसी से रिलेटेड फिर अवसर लागत भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू टाटा, बाय बाय।